थाना हाईवे इलाके के जनकपुरी कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही एक सॉस फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मोहली रोड की कॉलोनी जनकपुरी में आवासीय इलाके में एक मकान में सॉस बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। आज अचानक बॉयलर फटने से दो मंजिला मकान गिर गया, वहीं हादसे में चार लोग झुलस गए। खाद्य विभाग की मिली भगत के चलते काफी लंबे समय से सॉस बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। तेज धमाका होने से आसपास के लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर दमकल विभाग भी मौके पर पहुंच गया, वहीं इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गए। घटना के संदर्भ में स्थानीय लोगों ने जानकारी दी। क्या हुआ यहाँ पर? मुझे तो पता नहीं, मैं तो घर पे थी। अब मैं काम कर रही हूँ, यहाँ आ रही तो यहाँ भीड़ लग रही। मैंने पूछा एक औरत से कि यहाँ क्या हुआ, कि यहाँ पे आग लग गई है, सिलेंडर फट गया। तो कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें चार लोग घायल हो गए। क्या हादसा हुआ? इसमें सॉस बनाने की फैक्ट्री है और संभवतः बॉयलर फटा है, गैस लाइन है वो फटी है। उसमें चार बच्चे हल्के इंजर्ड हुए हैं, जो अस्पताल में एडमिट हैं उनका ठीक। बाकी अभी जो है जाँच होगी उसमें।